प्यार के बाद हुई शादी, और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि पति अपनी पत्नी को स्टेशन पर ही छोड़कर हो गया फरार। नमस्कार, मैं निभा सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ डीटीवी भारत में। खबर बक्सर जिले के स्टेशन की है, जहाँ पर एक महिला को उसके पति ने स्टेशन पर ही छोड़कर भाग गया। हम आपको बता दें कि महिला जिसके बाद 3 घंटे तक स्टेशन पर ही घूमती रही, भटकती रही, जिसके बाद फोन लगाने पर 3 घंटे बाद जब उसने अपने पति से बात किया तो उसके पति ने ये कहा कि अब मैं वापस नहीं आऊँगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जिसके बाद मीडिया कर्मी की नज़र महिला पे पड़ी। महिला ने बताया कि उसकी शादी पहले ही एक युवक के साथ हो चुकी थी, लेकिन फेसबुक पर बातचीत करने के दौरान उसे दूसरे युवक से प्यार हो गया, जिसके बाद उसने दूसरे युवक से शादी रचा ली। शादी करने के बाद युवक उसके साथ मारपीट करता था और मारपीट काफ़ी गंदे तरीके से करता था। महिला ने कहा कि जानवर की तरह महिला के साथ युवक मारपीट करता था, और वो पुणे से आ रही थी और बक्सर के स्टेशन पर रुकी हुई थी। उसका पति कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और उसके बाद पति गायब हो गया। 3 घंटे तक नहीं आने के बाद महिला ने जब कॉल किया तो महिला को उसने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। क्या कुछ बातचीत हुआ है मीडियाकर्मी से इस महिला की, ज़रा सुनिए। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? सर, हमारे हस्बैंड आए दिन हमसे मारपीट करते हैं। गलती मेरी भी कभी कभी, कहीं कहीं हम अपनी भी एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हम कुछ बोल देते हैं तेज आवाज़ में, बाकी ऐसे नहीं। वो हमेशा हमको ऐसे मारते हैं, जानवरों की तरह पीटते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आपके पति? जी, वो मिर्जापुर के बलिया जिला है उनका। अच्छा। मिर्जापुर गाँव है, बैरिया थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं उनका नाम। और आप? जी, मैं कुशीनगर जिले की रहने वाली हूँ। कुशीनगर जिले। बक्सर रेलवे स्टेशन पर आप खड़ी हैं जी, यहाँ पर आपको छोड़ के चले गए जी। कहाँ से आ रही थी आपको? शादी लव मैरिज था क्या जी? लव मैरिज शादी होने के कारण घर वाले से कोई मतलब नहीं रहा, और पति अब छोड़ के चले गए। अच्छा, बता रही है फेसबुक से बातचीत हुआ था, ये इसमें क्या सच्चाई है? फेसबुक से जो बातचीत हुई थी जी, फेसबुक पे मेरा नंबर पड़ गया था ऐसे, फिर इन्होंने कॉल किया मेरे पास, बोला मैडम आप नंबर अपना हटा लो। मैंने बोला कि भैया आपको डिस्टर्बिंग क्यों हो रही है, बोल रहे हैं आप लड़कियाँ ऐसे ही डिस्टर्ब करती हो, लड़कों का दिमाग डाइवर्ट करती हो नंबर डाल के। तो मेरी शादी एक हो चुकी थी सर पहले, तो मैंने कहा वो मैं लड़की नहीं हूँ, औरत हूँ। उसने फोन काट दिया, फिर दोबारा इन्होंने कॉल बैक किया और फ्रेंडशिप के तौर पर बात करने लगे। बाद में उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था पहले शादी का। अभी आप क्या कीजिए, आगे आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अब आगे मेरे पास लाल बाबू आप कहाँ में घूम रहे हैं? बता दें कि फिलहाल पुलिसकर्मी की सहयोग से महिला को उसके ससुराल भेज दिया गया है, महिला सुरक्षित है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखना बाकी रह जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें डीटीवी भारत के साथ।